नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हम लोग सिविल सर्विस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर आप लोग शुरू से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि पहली क्लास में हम लोगों ने सिविल सर्विस का आपका जो भी ऐतिहासिक बैकग्राउंड है इस पर विस्तार से बात की हुई थी। दूसरी क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। तीसरी क्लास में आपने देखा होगा कि जो आईएएस या सिविल सर्विस या यूपीएससी का पैटर्न होता है, प्रारूप होता है कि इतने इसमें क्या योग्यता चाहिए होती है, कितने क्वेश्चंस पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने टाइम मिलता है, इस तरह की और भी जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे उन सब के जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे। और मुझे भरोसा है देखिए कि अगर आप लोग इन सभी क्लासों को कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो और उसका जवाब इन क्लासों में ना मिले। फिर भी अगर कोई छूट जाता है, आपको लगता है कि इसमें आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे बताइएगा, उसका भी आंसर देने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी तरफ से। फिर आपने देखा होगा कि जो आपका ऐसे मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स के बाद आप देखते हैं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में पहुंचते हैं, उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि निबंध होता है आपका। फिर आपने देखा होगा कि आपके पास निबंध के बाद आप देखते हैं कि आपके चार जीएस के पेपर होते हैं, जिन्हें आप लोग किन किन नामों से जानते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड, सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, सामान्य अध्ययन पेपर फोर। इनका जो पाठ्यक्रम है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे इसमें मिलते हैं, कितने नंबर के रहते हैं, कौन कौन से दिन पेपर होते हैं, तो इस सब पर हम लोग विस्तार से बात किए हुए हैं। फिर आप देखते हैं कि दो पेपर होते हैं, एक तो आप देखते हैं कि आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं आपकी हैं उनमें से आप लोग एक भाषा चुनते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी चुन ली। दूसरा आप देखते हैं पेपर भी आपका अंग्रेजी का होता है, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, इनका हम लोगों ने पाठ्यक्रम भी देखा हुआ है। लास्ट में आप देखते हैं कि आपका ऑप्शनल बचता है, और आप सभी लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जब भी आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जाते हैं तो आपके से अधिकतर लोग यही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि आपने क्या ऑप्शनल रखा हुआ है, कौन सा ऑप्शनल आप लोग ले रहे हैं। तो देखिए, जिसमें आपको मजा आता हो पढ़ने में, बोरिंग ना लगती हो, आपको जो पसंद हो सब्जेक्ट, उसे आप लोग विकल्प के रूप में यानी कि ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं। जबरदस्ती किसी को आप लोग ना कहिए, ना किसी के बहकावे में आकर जबरदस्ती चुन लीजिए कोई ऑप्शनल। मान लीजिए आपका उस सब्जेक्ट में मन ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने वो ऑप्शनल रख लिया, तो इस सबको ध्यान रखना चाहिए। और आपको बता दूं कि ऑप्शनल, मान लीजिए कि आप लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल चुना हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये टोटल 500 नंबर का रहेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल 500 नंबर का रहेगा, इसमें आपके दो पेपर होंगे, और जिसमें आप देखेंगे प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा। और याद रखिए कि ऑप्शनल के दोनों पेपर एक ही दिन आपके खत्म हो जाएंगे। आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका पेपर किसी भी डेट को मान लीजिए, तो सुबह से 9 से 12 में आपका पहला पेपर हो जाएगा हिस्ट्री ऑप्शनल का, और जो आपका 2 से 5 के बीच आपका दूसरा पेपर हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आंसर राइटिंग करते रहा करिएगा, आपकी जो उंगली है ना आंसर लिखते लिखते वो मतलब सूज जाती है, एक तरह से आप उन्हें कह सकते हैं कि फूल जाती हैं, दर्द करने लगती हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहती है। आपको कुछ नाम बता देता हूँ ऑप्शनल के, वैसे आप लोग यूपीएससी की मेन साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कुछ ऑप्शनल के आपके जो पाठ्यक्रम है उन्हें भी मैं आपका किस पे टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि किसी और ऑप्शनल पर हमें बात करनी चाहिए, तो आप बताइएगा, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे, और मेरा एक ऑप्शनल लेने का मतलब इतना ही था कि इससे आप लोगों को एक तरह से आपका मालूम चल जाएगा ऑप्शनल क्या होता है,
और इसमें किस तरह के पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का रहता है, कितना टाइमिंग मिलता है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे आप लोग ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल में आपने सुना होगा प्राणी विज्ञान, सांख्यिकी, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भौतिकी, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, गणित, प्रबंधन, विधि, इतिहास, भूविज्ञान, भूगोल, विद्युत इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, सिविल इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नृविज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये आपके कुछ ऑप्शनल हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग इतिहास पर, किस पर, हिस्ट्री ऑप्शनल पर। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपके दो पेपर होते हैं, बता चुका हूँ या नहीं बता चुका। और इसमें आप लोगों को मालूम है 500 नंबर का रहता है, प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है आपको। और एक और बात बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि आप देखें कि आप लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि जियोग्राफी दोनों आप ऑप्शनल ले लें, और एक पेपर आप लोग हिस्ट्री में दे दें, दूसरा पेपर आपका ऑप्शनल आप लोग जियोग्राफी का दे दें, ऐसा नहीं है। आप लोग दोनों पेपर आपके एक ही सब्जेक्ट के होंगे, फिर चाहे आप लोग गणित ले लीजिए, चाहे आप लोग हिस्ट्री ले लीजिए, या भूगोल ले लीजिए, या रसायन विज्ञान ले लीजिए, या कोई और ले लीजिए, दोनों पेपर एक ही सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्र पहले के पाठ्यक्रम के बारे में। इसके बारे में आपको कुछ और बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। तो अभी तक की बात कर रहे हैं, आगे कुछ बदलता है तो आप लोग करंट से जुड़े रहिए, और साइट जो यूपीएससी के बारे में अगर आपको कभी कुछ जानना है तो इसकी मेन साइट खोला करिए आप लोग, वहाँ क्लियर जानकारी आपको मिल जाती है। तो जो पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट होगा, ये 3 घंटे का रहेगा, कितने, 3 घंटे का, ये 250 नंबर का रहेगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो पेपर छपा होगा, हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा, अंग्रेजी में भी देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं इसमें कुल 8 क्वेश्चंस होंगे, कितने, टोटल 8 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, और एक खंड में आपका ए, और या फिर आप देख सकते हैं कि इसमें खंड ए और बी में बटा होगा। खंड ए में भी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, खंड बी में भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे। एक लाइन ए में जो बोल रहा हूँ इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, इन 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, जो प्रश्न क्रमांक 1 है और प्रश्न क्रमांक 5 है, इनके आंसर आपको, इनके उत्तर आपको अनिवार्य रूप से लिखने होंगे। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए आप लोग कि टोटल आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे पहले पेपर में, आप बता रहा हूं, ये 2 खंड में बटा रहेगा पेपर, पेपर ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में भी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आप देखेंगे क्रमांक नंबर 1 यानी कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 आपको अनिवार्य रूप से इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो इस तरह से आपका 1 और 5 दो आपके हो गए, 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने आंसर दे लिए। अब बाकी बाकी क्वेश्चंस के आप लोग क्या करेंगे, प्रत्येक खंड से यानी कि खंड ए और खंड बी से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना होगा। अगर अभी भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे लगता है कि इंतजार करिए, अब हम लोग बात करेंगे, जब पेपर ही हम लोग उठा के देखेंगे, लास्ट 5 साल के हम लोग ऑप्शनल के पेपर देखेंगे तो वहाँ आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके पाठ्यक्रम के, तो पेपर पहले का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक साहित्य स्रोत,
स्वदेशी प्राथमिक एवं द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन, यूनानी, चीनी और अरब लेखक के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और वैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग मुख्य परीक्षा में भी आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं ना, आप लोग जब प्रीलिम्स भी देते हैं तो उसमें भी आपके इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप लोग इसी में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक एवं आग इतिहास के बारे में। इसमें आप देखेंगे भौगोलिक कारक, शिकार, संग्रहण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण युग, कृषि का आरंभ, नवपाषाण, ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इसका उद्गम कहाँ, काल, विस्तार, विशेषता, पतन, अस्तित्व एवं महत्व, कला, साहित्य, इस पर आप देखेंगे, इसे भी पढ़ेंगे। फिर आप लोग देखेंगे इसी में आप लोग महापाषाण युगीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियां, कृषि का विकास, शिल्पकर्म, मृदभांड एवं लोहे उद्योग, इस पर भी आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे आर्य एवं वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, भारत में आर्यों का प्रसार, वैदिक काल, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक का जो भी रूपांतरण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, वैदिक युग का महत्व, राजतंत्र, वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास, इस सब पर आप लोग विस्तार से जानकारी इकट्ठी करेंगे। एक तरह से आप देखिए कि आप लोगों ने ऑप्शनल रखा हुआ है, तो यही सोचिए आप लोग की ज्ञाता बन जाते हैं आप लोग ऑप्शनल हिस्ट्री के। एक तरह से आपने देखा होगा कि आप लोग एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक टॉपिक पर आपकी एक तरह से रिसर्च शुरू हो जाती है, पीएचडी ही आप कह सकते हैं कि करने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी विस्तार से आप लोग इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ते भी हैं। और एनसीईआरटी आप लोगों को नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी तो कम से कम पढ़ते ही रहना है आपको। फिर आप पढ़ेंगे महाजनपद काल, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने विस्तार से नहीं पढ़ा होगा इन्हें, ठीक है। तो महाजनपद काल में बात करें तो महाजनपदों का निर्माण, गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, नगरों, नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकर यानी कि सिक्का ढलाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव, ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण और उनके प्रभाव के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य आता है, इसमें आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की आप देखते हैं कीर्ति किताब का नाम है अशोक, ये अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त का बेटा होता है अशोक, माफ करिएगा फिर से आपसे, चंद्रगुप्त का बेटा होता है बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। वो कहते हैं ना कि इतिहास पढ़ते पढ़ते इतना मतलब कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कि अकबर अशोक का बेटा था कि अशोक अकबर का या चंद्रगुप्त का, खैर छोड़िए तो। फिर आप देखेंगे धर्म की संकल्पना, धर्मादेश, राजव्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धर्म, धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग एवं कन्ववंश। फिर आप देखेंगे उत्तर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, भारत में यूनानी, शक, कुषाण, पश्चिमी छत्तव, बाहरी विश्व से संपर्क, नगर केंद्रों का विकास, अर्थव्यवस्था, सिक्कों के बारे में, धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य एवं विज्ञान। फिर आप देखेंगे आप लोग क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक राज्य एवं समाज, पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत में, इसमें आप देखेंगे खारवेल, सातवाहन, संगमकालीन, तमिल राज्य, प्रशासन इसकी, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, सिक्के, व्यापारिक श्रेणियाँ, नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य, संस्कृति, कला एवं स्थापत्य कला। फिर आते हैं आप लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, वकाटक, वर्धन वंश, राज व्यवस्था एवं प्रशासन देखेंगे इनके समय का, आर्थिक दशाएं, गुप्तकालीन जो भी सिक्के चले, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंतशाही, जाति प्रथा, स्त्री की स्थिति, शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाएं, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लवी, साहित्य, विज्ञान, कला एवं
स्थापत्य के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे गुप्तकालीन जो आपके क्षेत्रीय राज्य हैं, इनमें आप लोग पढ़ेंगे कदंब वंश, पल्लव वंश, बादामी का चालुक्य वंश, इन सभी की राज्य व्यवस्था किस तरह से रही, प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियाँ, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्मों का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य, वेदांत, मंदिर संस्थाएं, मंदिर स्थापत, पाल वंश, सैन वंश, राजकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन इनके समय का जो भी। देखिए आप सोचिए कि कोई भी प्रशासन रहा होगा तो उस समय आप देखेंगे प्रशासन करने का कोई प्रणाली तो रही हुई, अर्थव्यवस्था भी तो रही होगी। उस समय मंदिर मस्जिद इस तरह के जो भी बनते थे उनका कोई स्ट्रक्चर तो रहा होगा, उसी के बारे में पढ़ा ना, आर्ट एंड कल्चर तो रहा होगा, संस्कृति तो रही होगी उस समय की, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। फिर आप देखेंगे सिंध के अरब विजेता अलवर्णी, कल्याणी का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड वंश, राज्य व्यवस्था इनका प्रशासन किस तरह से चलता है, स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर एवं मठ संस्थाएं, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य, अर्थव्यवस्था, समाज, इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर आप देखेंगे प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद, इसमें भाषाएं, मूल ग्रंथ, कला एवं साहित्य के क्रम विकास के प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक चिंतक, शाखाएं, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में विचार, इस सब को आप लोगों को कवर करना होगा। फिर आप देखेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, इसमें आप देखेंगे 750 से आपका 1200 ईस्वी तक, इसमें राज्य व्यवस्था उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम उदय, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज, भारतीय सामंतशाही के बारे में पढ़ेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था और नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे, समाज ब्राह्मण की स्थिति और नई सामाजिक व्यवस्था के बारे में, स्त्री की स्त्रियों की मतलब आप सोचिए इनकी महिलाओं की दशा इस समय क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो भारतीय भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है 750 से 1250 1200 ईस्वी के बीच, तो इसमें आप देखेंगे शंकराचार्य, वेदांत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, रामानुज एवं विशिष्टाद्वैत के बारे में पढ़ेंगे, मध्य एवं ब्रह्म मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे, धर्म धर्म के स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन, सूफी मत, इस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। साहित्य में बात करें संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य का विकास, नव विकासशील भाषाओं का साहित्य, कल्हण की राजतरंगिणी, अलवर्णी का इंडिका, इस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कला एवं स्थापत्य के बारे में, मंदिर स्थापत्य, मूर्तिशिल्प, चित्रकला के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे 13वीं शताब्दी आएगी आपकी, इसमें आप दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गौरी के आक्रमण, गौरी की सफलताओं के पीछे कारण, ये सभी पूछा जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम इस समय का क्या रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे, सुदृढ़ीकरण, इल्तुतमिश और बलबन का शासन आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप आ जाएंगे 14वीं शताब्दी में, इसमें आप लोग खिलजी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आप हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें अलाउद्दीन खिलजी, विजय, क्षेत्र प्रसार, कृषि एवं आर्थिक उपाय, अलाउद्दीन के समय काल में क्या था स्थिति, क्या आर्थिक सुधार रहे हैं, क्या बाजार सुधार रहे हैं, उस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। मोहम्मद तुगलक, इसके समय प्रमुख विकल्प कृषि उपाय मोहम्मद तुगलक की अफसरशाही, इस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप लोग फिरोज तुगलक के बारे में, कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण में उपलब्धियाँ इसकी क्या रही हैं, दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे होता है, विदेशी संपर्क एवं इब्न बतूता का वर्णन, इस सब पर आप लोग बात करेंगे। फिर आप देखेंगे 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज किस तरह का था, संस्कृति किस तरह की थी, अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, इस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। समाज ग्रामीण समाज की रचना, शासी वर्ग, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, सल्तनत के अंतर्गत जाति दास प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, संस्कृति में आप देखेंगे फारसी साहित्य, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, दक्षिण भारत की भाषाओं का साहित्य, सल्तनत स्थापत्य एवं नए स्थापत्य रूप, चित्रकला, समृद्ध संस्कृति का विकास,
फिर अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था, कृषितर उत्पादन का उद्भव, व्यापार और वाणिज्य के बारे में आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आप पहुंचेंगे 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में, इस समय की जो भी राजनीतिक घटनाक्रम रही है, अर्थव्यवस्था रही है, इस पर आप लोग विस्तार से देखेंगे। प्रांतीय राजवंशों का उदय, बंगाल, कश्मीर, जनवल, अवदीन, गुजरात, मालवा और वहमनी के बारे में। फिर आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में, लोधी वंश के बारे में, मुगल साम्राज्य, पहला चरण, बाबर, हुमायूं। फिर सूर्य साम्राज्य, जिसे आप लोग शेरशाह का प्रशासन देखेंगे, शेरशाह सूरी, पुर्तगाल उपनिवेशिक प्रतिष्ठान। अभी आप लोग पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, इसके बाद आपको किताबें कहाँ से पढ़नी है, क्या करना है, बाद में हम लोग विस्तार से बात करेंगे किसी दिन। और अगर आपके पास भी कोई बुक्स का कलेक्शन है और आपके पास PDF की रूम में है, तो आपको बता दूंगा, जो जीमेल दी गई है उस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, करिएगा, तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो और किसी की भी मदद होती रहेगी। और आपके भी, आपको भी लगता है कि ये बुक्स अच्छी है, तो उसका नाम बताइएगा, उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो अपनी जानकारी जो भी हो आपको, तो उसके भी आप लोग साझा करते रहना। फिर आप देखेंगे 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, इसमें समाज एवं संस्कृति। फिर आप देखेंगे क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताएँ, साहित्यिक परंपरा, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे अकबर के बारे में, विस्तार से अकबर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, विजय एवं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जागीर एवं मनसब व्यवस्था की स्थापना, राजपूत नीति, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह कुल का सिद्धांत, धार्मिक नीति, कला एवं प्रौद्योगिकी को राज दरबारी संरक्षण। आपको मालूम है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी आप देखते हैं कि शासन व्यवस्था कितनी अच्छी तरह से उसने संभाली हुई थी। फिर आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख जो भी प्रशासनिक नीतियां थी। फिर आप देखेंगे साम्राज्य एवं जमींदार के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल राज्य का स्वरूप देखेंगे, उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट और विद्रोह किस तरह से हुआ, अहोम साम्राज्य के बारे में, शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा राज्य के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये सभी आप लोग पेपर फर्स्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं, जो ऑप्शनल का हिस्ट्री का पहला पेपर होगा उसी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जनसंख्या हो गया, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, नगर, डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप का साथ, वाणिज्य, व्यापार क्रांति, भारतीय व्यापार वर्ग, व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा, ऋण प्रणालियाँ, किसानों की दशा और स्त्रियों की दशा के बारे में पढ़ेंगे, सिख समुदाय और खालसा पंथ का विकास, इस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे मुगल साम्राज्य कालीन संस्कृति क्या रही है, कल्चर क्या रहा है, उस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें फारसी इतिहास एवं अन्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, मुगल चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, प्रांतीय स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इस सब पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में आप लोग पढ़ेंगे, इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे, क्षेत्रीय सामंत देश, निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध के बारे में पढ़ेंगे, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध तीसरा 1761 में हुआ था ना, पहला आप देखते हैं 1526, दूसरा देखते हैं 1556 और तीसरा आप देखते हैं 1761, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चलिए बताइए, आप सभी जानते हैं कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, पानीपत एक जगह हो वहाँ हुआ था, लेकिन आपको बताना है कि ये तीनों युद्ध आखिर वहाँ क्यों हुए थे, क्या कारण था कि आखिर वहीं होते थे, तो अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा। तो ये है आपकी पेपर फर्स्ट यानी कि प्रश्न पत्र पहले का पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी कि सिलेबस आपका। अब आप देखेंगे कि आपका दूसरा पेपर भी आपका ऑप्शनल में इतिहास में होगा, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको कि ये भी आपका देखिए 285 नंबर का रहेगा, और आपको बता दूँ इससे भी 3 घंटे का समय मिलेगा इसके लिए भी आपको,
कितना 3 घंटे का समय मिलता है, और जिस दिन आपका पेपर पहला होगा उसी दिन पेपर दूसरा भी हो जाएगा, एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी आप देखेंगे कि 2 खंडों में पेपर विभाजित रहेगा, टोटल आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? 8 क्वेश्चंस रहेंगे। खंड ए, खंड ए में भी आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, खंड बी में अभी आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी आपको बता दूं, ये लाइन आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं इसमें से प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 5 ये दोनों आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे। 8 में से टोटल 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है, जिनमें क्रमांक नंबर प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 ये दोनों अनिवार्य हैं। ये इस तरह से आप देखेंगे टोटल आपके 2 क्वेश्चंस के आप लोग आंसर दे देते हैं। अब 3 क्वेश्चंस के आंसर और आपको देखना है, तो इसमें से आप देखेंगे बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं तो प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न आपको चुनकर इनके किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देखना होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसे हम लोग क्या करेंगे कि जब इनके 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर आंसर आप लोगों को और बेहतर समझ में आ पाएगा। और इनके आंसर जितने भी क्वेश्चंस होंगे पुराने, 5 साल के, 5 6 साल के, फिर चाहे आपके प्रीलिम्स के हों, मुख्य परीक्षा के हों, ऑप्शनल के हों, निबंध के हों, इन सभी को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा PDF के रूप में, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। क्या करना है? पढ़ते रहना है आपको। चलिए दूसरे प्रश्न पद का हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आधुनिक भारत में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। आपने देखा है कि प्रश्न पद जो पहला होगा इसमें हम लोग आपका जो मध्यकालीन भारत है और जो आपका आप लोग देखते हैं कि शुरुआत का भारत है इस पर आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी आप देखते हैं कि पेपर सेकंड के लिए आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं उसे भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आपका पेपर फर्स्ट में हो गया कवर, उस सिलेबस के लिए वो सिलेबस सब आपका पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा। सेकंड में बात करें तो इसमें भारत में यूरोप का प्रवेश, इसमें आप देखेंगे प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां पुर्तगालियों एवं डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां, अधिपत्य के लिए उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बंगाल एवं अंग्रेजी एवं बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष, सिराज और अंग्रेज, पिलासी का युद्ध, पिलासी का महत्व, इस सब में आप लोग बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी जो आपकी यूरोप का प्रवेश होता है ये आप देखेंगे मध्यकालीन के लगभग एक तरह से आ जाते हैं अंग्रेज, कई फैक्ट्रियां आप देखते हैं कि आ जाती हैं, तो आप लोग इन दोनों को जोड़ के देखा करिएगा। और आप लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि आप लोग चलिए मध्यकालीन भारत पढ़ लिया और आपका आधुनिक भारत छोड़ देते हैं, सभी को आप लोग एक तरह से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। फिर आप देखते हैं भारत में ब्रिटिश प्रसार, इसमें बंगाल मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, मैसूर मराठा, 3 अंग्रेज युद्ध होते हैं मराठा और पंजाब, इन सब पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे ब्रिटिश ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, इसमें आप लोग प्रारंभिक प्रशासन संरचना, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, फिर आप लोग पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, मुक्त व्यापार का स्वर एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है, ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, इन सब पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। महालवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंधन का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय, ग्रामीण समाज का परिच्छेद छीनन, फिर आप देखेंगे पारंपरिक व्यापार वाणिज्य का स्थापन, अनौद्योगिकरण, पारंपरिक शिल्प की अवनति, धन का अपव्यय,
का आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ, डाक सेवा सेवाओं समेत रेल पथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष एवं गरीबी, यूरोपीय व्यापार उद्यम एवं इसकी सीमाएं। आप सोचिए कि अंग्रेज यहाँ से बहुत कुछ ले गए, लेकिन बहुत कुछ मिला भी हमें। रेल हो, आप देखिए, डाक तार हो, टेलीग्राफ हो। फिर आगे आप इसी के लिए दूसरे क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। इसमें आप स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्य विद आंग्ल विद विवाद, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव, प्रेस, साहित्य एवं लोक मत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय, विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियन मिशनरी के कार्यकलाप। फिर आप देखेंगे बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म आंदोलन, ब्रह्म समाज के बारे में, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, भारत में सतुई, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समेत सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान, इस्लामी पुनरुद्धार वृत्ति, फ्राइज एवं वहावी आंदोलन के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, इसमें रंगपुर डींग 1783, कोल विद्रोह 1832, फिर आप मालाबार में मोपला विद्रोह 1841 से 1920 के बीच, संथाल हुल ए 1855, नील विद्रोह 1859-60, दक्कन विप्लव 1875, मुंडा उलगुलान 1899-1900 के बीच समेत 8वीं और 9वीं, माफ करिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हुए, 1857 का महाविद्रोह आंदोलन होता है, इसका उद्गम स्वरूप असफलता के कारण क्या रहे हैं, परिणाम क्या रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1857 काल में किसान विप्लव के स्वरूप में बदलाव, 1920 1930 के दशक में हुए किसान आंदोलन के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे, आज भी आप देखते हैं कि आपके किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो इसे भी आप देखेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, जन्म के कारक भी, संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का पक्ष, सेफ्टी वॉल्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम, लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल गरम दल के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल का विभाजन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ होता है उसे भी आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आप देखते हैं कि एक लाठी डंडे वाला एक व्यक्ति आता है भारत में, गांधी का उदय होता है, और इसमें आप लोग गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी का जनाकर्षण, रॉलेट सत्याग्रह, काला कानून, ऐसा माना जाता है कि देखिए गांधी जी को लोग देखने आते थे कि आखिर ये व्यक्ति किस तरह का बना हुआ है, समझ रहे हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, इसमें देखेंगे प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति क्या रहती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो चरण होते हैं, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद जिसे गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं आप लोग, आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस की तरफ से एक बार ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने ही भाग लिया था, ना तो कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ना तो तीसरे में, आप देखते हैं भीमराव अंबेडकर साहब तीनों में शामिल हुए थे। फिर आप देखेंगे राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला एवं भारतीय युवा तथा भारतीय राजनीति में छात्र 1885 से लेकर 1947 तक, 1947 का चुनाव, माफ करिए 1937 का चुनाव, मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, कैबिनेट योजना के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आप देखिए कि अंग्रेजों से शोषण तो शोषित हर कोई हो रहा था, लेकिन आप देखते हैं कि शुरू में आप देखेंगे कि हमें क्या लेना देना, जैसे आप सोच लीजिए आज कि किसी और पर विपदा आती है तो हम लोग यही सोच लेते हैं कि हमारा क्या लेना देना, छोड़िए, तो यही छोड़ते आ रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि 1857 का जो आंदोलन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, ये असफल क्यों हो गया था, क्योंकि एकता ही नहीं थी हमारे बीच,
फिर आप देखते हैं कि 19 कांग्रेस के गठन के बाद 1885 के बाद आप लोग जाइए, हम सभी एक होना शुरू होते हैं, तब जाकर आप देखते हैं कि हमें आज़ादी मिलती है। औपनिवेशिक के बारे में पढ़ेंगे, भारत में 1858 और 1935 के बीच संवैधानिक घटनाक्रम जो भी हुआ है। फिर आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ भी देखेंगे, इसमें आप लोग क्रांतिकारी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास, भारत से बाहर, वामपक्ष, कांग्रेस के अंदर का वामपक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य जो भी वाम दल थे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आप लोग। फिर आप लोग अलगाववादी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता, विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण, फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जिन्ना की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत और पाकिस्तान दो देश हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। आज देखिए कि अगर उस समय उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना रहती तो आज हमें इतना नुकसान ना उठाना पड़ता, हम दोनों एक होते। एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़, नेहरू की विदेश नीति, भारत उसके पड़ोसी राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन, क्षेत्रीयतावाद, क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों का एकीकरण, निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश प्रेंस, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न। अभी भी आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ये भी आप लोग क्लियर रखिए। फिर आप देखेंगे 1947 के बाद जाति एवं निजातित्व, उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियां, जनजातियां, दलित आंदोलन होते हैं। फिर आप आर्थिक विकास, राजनीतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, भूमि सुधार योजना एवं ग्रामीण पुनर्रचना की राजनीति, उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण नीति, विज्ञान की तरक्की। फिर आप देखेंगे प्रबोध एवं आधुनिक विचार, प्रबोध के प्रमुख विचार में आप देखेंगे कांट, रूसो के बारे में पढ़ेंगे, उपनिवेशों में प्रबोध आप पिसार, समाजवादी विचारों का उदय मार्क्स तक, मार्क्स के समाजवाद का प्रचार प्रसार, मार्क्स के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, यूरोपीय राज प्रणाली, अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, फ्रांसीसी क्रांति उसके परिणाम, 1789 से आप देखेंगे 1815 तक की बात हो रही है, अब्राहम लिंकन के संदर्भ के साथ अमेरिकी सिविल युद्ध और दास्ता का उन्मूलन, ब्रिटिश गणतांत्रिक राजनीति 1815 से लेकर 1850, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारी, चार्टरवादी। फिर आप औद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति, कारण एवं समाज पर प्रभाव क्या पड़े इसके, अन्य देशों में औद्योगिकरण, यूएस एवं जर्मनी, रूस, जापान के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसमें, औद्योगिकरण एवं भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्र राज्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद, जर्मनी एवं इटली में राज्य निर्माण, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन, इन सब के लिए याद रखिए आपका एक बेस मजबूत कर देंगी NCERT। अब राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किस तरह से आया, कहाँ सबसे पहले आया, इसकी क्या परिभाषा होती है, इन सब पर आप लोग NCERT में बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम आप लोग 2 से 3 बार NCERT पढ़ लीजिए। आप लोगों ने पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैं इससे इस तरह की कोई बात ही नहीं करता हूँ, मेरा मानना है कि कम से कम 2 से 3 बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। फिर इसी में आप लोग साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में, लातिनी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, साम्राज्यवाद और मुक्त व्यापार, नव साम्राज्यवाद का उदय। फिर आप देखेंगे क्रांति और प्रतिक्रांति, 19वीं शताब्दी की यूरोपीय क्रांतियाँ, 1917 से लेकर 1921 की रूसी क्रांति, फांसीवाद प्रतिक्रांति इटली जर्मनी में, 1949 की चीनी क्रांति। फिर आप देखते हैं कि विश्व युद्ध होते हैं आपके, एक तो पहला आपका विश्व युद्ध होता है, संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, सामाजिक निहितार्थ, इसमें प्रथम विश्व युद्ध कारण एवं परिणाम इसके क्या रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम क्या रहे हैं, इस पर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे विश्व किस तरह का रहा है, दो शक्तियों का आविर्भाव हुआ, वे आप देखते हैं कि दो शक्तियां कब समाप्त होती हैं, 1991 में, 90-91 में जाकर सोवियत संघ का विघटन होता है उस समय। तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता का आविर्भाव और संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक विवाद के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे।
आप लोग उपनिवेशी शासन से मुक्ति, लातिनी अमेरिका, बोलीवर और अरब विश्व, मिस्र, अफ्रीका रंगभेद से गणतंत्र तक, दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम, भी उपनिवेशिक और अल्प विकास, विकास के बाधक कारक लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में। फिर आप लोग यूरोप का एकीकरण पढ़ेंगे, इसमें आप लोग यूरोप, यूरोत्तर स्थापनाएं जैसे आप देखेंगे, नाटो हो गई, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार, यूरोपीय संघ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, सोवियत यूनियन का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व का उदय होता है, सोवियत संवाद एवं रू सोवियत यूनियन को निपात तक पहुंचाने के कारक, ये 1885 से 91 के बीच, पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन 1989 सन 2001 के बीच, शीत युद्ध का अंत और अकेली महाशक्ति के रूप में यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बना रहना। अब आप देख रहे हैं कि दो ध्रुव फिर से उभर के आ रहे हैं, एक तरफ तो आप लोग चाइना को देख रहे हैं, ठीक है, तो इस सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए अगर आप लोगों ने इतना इतिहास कवर कर लिया है तो आजकल आप देखते हैं ना कि गांधी बुरे, या फिर आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बुरे, या भीमराव अंबेडकर साहब बुरे, आपको सब कुछ क्लियर मालूम चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं था। हमारी आज़ादी के आज़ादी में सभी का योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह के जो तर्क देते हैं ना, इनसे आप लोग बिल्कुल हट भी जाएंगे, आप लोग बड़े सटीक बहस भी करेंगे अगर आप लोग इस तरह की कहीं बहस करते हैं तो। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि अधिकतर छात्र आपके व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें हकीकत में गांधी का इतिहास पता नहीं है। खैर छोड़िए गांधी का, छोड़िए अपने माँ बाप का इतिहास मालूम नहीं है, तो वो कहाँ गांधी के बारे में, कहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुखर्जी, आप देखिए भीमराव अंबेडकर, या आप देखिए आपके नेहरू साहब के बारे में जान पाएंगे। उन्हें तो वही पढ़ाया जा रहा है ना जिससे राजनीतिक रोटियां सीख सकें। तो आप लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि हकीकत रहा क्या है। आज तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच वो लड़ाई करवा के मानेंगे आपको, इस तरह से वो स्ट्रक्चर बना के आपके सामने पेश करेंगे कि आप लोग भी भरोसा यही करेंगे कि नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में लड़ाई रही होगी कुछ समय। ऐसा कुछ नहीं था, आप सभी जानते हैं कि जब पहली बार नेहरू की मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें आप देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्थान दिया जाता है, भीमराव अंबेडकर को स्थान दिया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि इनकी विचारधारा, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर ये एक मत नहीं थे, फिर भी आप देखते हैं कि सभी को जगह दी गई। तो ये आप लोगों को कुछ ध्यान में रखना होगा। तो ये कहानी है आपकी इतिहास की, किसकी, इतिहास वैकल्पिक पेपर की। और लास्ट में आप सभी जानते हैं कि इस तरह से आप देखते हैं कि आपके जो मुख्य परीक्षा के जो जिनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, चार तो आपके सामान्य अध्ययन पेपर हो गए, एक आपका निबंध हो गया और दो आपके वैकल्पिक पेपर हो गए। इस तरह से टोटल आप देखेंगे कितने नंबर के हो गए, ये 1750 नंबर हो जाएंगे, 1750। और बाकी आप देखेंगे 275 आपकी इंटरव्यू हो गए, क्या, इंटरव्यू व्यू, इस तरह से आप देखेंगे कितने, 2025 टोटल हो जाएंगे, इसी आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर कुछ और चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, वरना मैं टाइम मिलने पर मैं प्रीलिम्स के आपके 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर पूरे लगवाऊंगा, बड़े विस्तार से बात करेंगे हम लोग। तो अगर कुछ छूटा हो, कुछ और प्रॉब्लम हो तो उसे भी बता दीजिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, जो भी पीडीएफ रहती है वहाँ मैं सेंड कर देता हूँ, वहाँ डाल देता हूँ। और अगर आपके पास इस तरह की कोई बुक्स है और कोई और भी सजेशन है किसी भी तरह का तो बताइए, जीमेल आपके सामने दी हुई है, आप लोग जैसे ही जाएंगे वहाँ जीमेल आपके सामने लिखी होगी, वहाँ से आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कुछ है प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो फेसबुक पेज को मैं देखता रहता हूँ बार बार। चलिए जो भी हो बताना, वरना मैं तो चल ही रहा हूँ अपने हिसाब से, एक एक करके सब कुछ लेते जा रहा हूँ, कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको बीच में लगता है कि किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए, किसी ऑप्शनल पर बात करनी चाहिए, तो बताइए, वैसा टाइम निकाल के उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग, एंजॉय करते रहिए आप लोग।